YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं तीरथ नगर भोगपुर डैम के अति दुर्गम स्थान पर। यहां देखिए, ये भोगपुर डैम तीरथ नगर को जाने वाला मार्ग है और इस मार्ग पर ये एक नदी का पुल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इस पुल के साइडों की मिट्टी जो है बह चुकी है, दबाव पानी खड़ा है, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ वाहन पलटने का ये खतरा बना रहता है, आप देख सकते हैं। ये चमक रही है मिट्टी कटी हुई, और ये दूसरी साइड है पुल की, तो इस साइड की भी मिट्टी ये पूरी तरह से कट गई थी। तो लोगों ने ये स्वयं यहाँ जब निकलने के लिए रास्ता नहीं बचा मिट्टी कटने के बाद, दोनों साइडों से मिट्टी कटने के बाद यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह निकलने के लिए जब रास्ता बंद हो गया, तो इन लोगों ने खुद ये यहाँ मिट्टी डालकर ये रास्ते को सुचारू किया है। ये देख सकते हैं आप, इस पुल का निर्माण सन 2001 में जब बाबा केसी सिंह यहाँ विधायक थे, तो ये विधायक निधि से ये पुल बना था। ये मिट्टी, ये जो साइडों की मिट्टी कटने का मेन कारण ये है कि यहाँ पुल के दोनों साइडों में जो ये पिचिंग बनाई गई थी, तो ये ईंटों की बनी हुई थी। इसमें बताते हैं कि घटिया सामग्री लगने से ये पिचिंग ये ध्वस्त हो गई, और उसके बाद ये साइडों की मिट्टी इसीलिए कटी। तो ये अब मैं पुल के ये दूसरी साइड में आया हूँ। ये देखिए, इधर भी ये मिट्टी कटी हुई है। तो यहाँ मिट्टी कट जाने के कारण यहाँ से गुजरने वाले वाहनों के पलटने का ये खतरा बना रहता है। रात रात में अंधेरे में यदि यहाँ से कोई वाहन गुजरता है, तो उसके पलटने का यहाँ भय बना रहता है। अब मेरे सामने यहाँ मौजूद हैं सरदार रणजीत सिंह जी, इनसे वार्ता करूँगा। हाँ भाई रणजीत सिंह जी, बताइए कि ये जो पुल है ये कब बना था? बहुत टाइम हो गया इसको तो बने हुए। अच्छा, तो यहाँ जो पत्थर लगा हुआ है जी, अब इस पर एक नज़र डालते हैं कि ये पुल कब बना था। तो देखिए, ये मेरे सामने ये यहाँ पत्थर लगा हुआ है जिस पर पुल के निर्माण का वर्ष दिया हुआ है और किसने बनाया था। तो इस पर लिखा हुआ है, ये विधायक निधि से पुल बना था, ये केसी सिंह बाबा विधायक काशीपुर की विधायक निधि से ये सन 2001 में बना था। और सड़क के बारे कुछ बात की दसने या सड़क के बारे इन्वेस्टिंग करना है तो सारी पुट्टी भी बोल। अभी मेरे सामने एक और सज्जन यहाँ मौजूद हैं। क्या शुभ नाम आपका? नरेंद्र सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? डैम के रहने वाले हैं। डैम के। तो ये जो पुल है, तो देखिए अभी मैं बाद में करूँगा, एक ट्रैक्टर यहाँ से ये गुजर रहा है। अभी इसको ये पलटने का यहाँ अंदेशा बना हुआ है, इसीलिए इन्होंने यहाँ ये ट्रैक्टर ट्रॉली को रोक दिया है। अब इन लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ, तो क्या शुभ नाम बताते हैं? नरेंद्र सिंह। हाँ जी। अच्छा, तो ये जो ये नदी का पुल है, तो इसकी जो साइडों की ये मिट्टी कटी हुई है, तो इस बारे में कभी आपने ये विधायक, क्षेत्रीय विधायक या सांसद को अवगत कराया कभी? इसका जो है, हाँ, वैसे देख के पास गांव तो पहुंचती रहती है, इधर की दीवार उधर की बनी हुई, पहले बनी हुई थी। हाँ। फिर बाद में जब पानी चलने लगा तो अंदर गिर गई। अच्छा,
तो अब मतलब नेता कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पर? अभी इसका कुछ नहीं होता, तब तक तैयार ना हो जाती, बन जाती। अच्छा अच्छा, तो देखिए, तो देखिए अभी मेरे सामने यहाँ कुछ और सज्जन यहाँ हैं। क्या आपका क्या शुभ नाम है? हम कहते हैं कि हमारा ये नुकसान कितना हो रहा है। नहीं, क्या शुभ नाम है आपका? श्याम सिंह। श्याम सिंह, अच्छा। तो ये जैसे आप अभी ट्रैक्टर ट्रॉली लाए हैं, तो यहाँ जैसे मिट्टी इसकी कटी हुई है, तो यहाँ ट्राली पलटने का डर रहता होगा? रहता है, मैं बहुत खतरा रहता है। अच्छा अच्छा, तो उधर भी है, इधर भी है। हाँ, इस तरफ पे चलो थोड़ी बहुत है, ये ज्यादा हो रही है। अच्छा अच्छा, तो ज्यादा खराब हो रही है, हमें बहुत खतरा रहता है यहाँ रात प्रात में निकलना वजन भर के। अच्छा अच्छा, बहुत दिक्कत है। तो अभी नेताओं को जो जनप्रतिनिधि उनको अवगत कराया कभी आपने? नहीं, और किसी ने नहीं करा। अच्छा, मतलब कोई आया नहीं आज तक यहाँ? आते हैं हाँ, लेकिन देख के चले जाते हैं। ये नहीं कहते कि हम बनवा देंगे, कोई ठीक नहीं करा, ठीक नहीं करा अभी तक किसी ने कहा। अच्छा अच्छा, तो देखिए मैं अभी इनसे जो यहाँ सज्जन मौजूद थे इनसे बात कर रहा था, तो इनका कहना है कि ये जो पुल है, कौन सी नदी है ये? फीका। ये फीका नदी। तो इन लोगों का कहना है कि ये जो पुल के साइडों की मिट्टी ये कट चुकी है और इससे ये खतरा बना रहता है, और इन लोगों ने बताया कि जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जाता है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ भैया जी, क्या सब नाम आपका? रोबिन सिंह। रोबिन सिंह, आप भी यहीं करने वाले भोपुर तीरथ नगर डैम के? तीरथ नगर डैम के ही हैं सर। अच्छा अच्छा, तो ये जो पुल की समस्या है, मिट्टी कटी हुई है जी, तो आप लोग कभी जनप्रतिनिधि से अवगत कराया इसके बारे में? सबको मालूम है इसका तो। अच्छा, मालूम, कोई बनवाता नहीं? कोई जी, कोई नहीं बनवाता। अच्छा अच्छा, तो देखिए अब ये मेरे सामने जो एक सज्जन और आए हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बताइए, क्या सब नाम आपका? मेरा धर्म सिंह नाम है। धर्म सिंह, हाँ, यही करने वाले हैं? नहीं, पतरामपुर रहते हैं, लेकिन यहाँ आना जाना लगा रहता है हमारा। अच्छा अच्छा, खेत है हमारा यहाँ पे। अच्छा, खेत है आपका? हाँ। तो ये समस्या जो है, ये पुल के जो मिट्टी कट गई है, हाँ जी, तो इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बहुत ज्यादा परेशानी। अब देखो, ये ट्रैक्टर खड़ा है और ये साइड में निकलने को जगह ही नहीं बची कुछ भी। हाँ, यानी कि जैसे यहाँ से ट्रैक्टर निकल रहा है, तो कोई अगर मोटरसाइकिल वगैरह दो पहिया वाहन आता, हाँ, तो उसके बचने की जगह नहीं रहती। बिल्कुल नहीं है। देखो, ये कितनी बदतर हालत हो रही है ये। तो देखिए, लोगों में बड़ा रोष व्याप्त है इस पुल की साइडों की मिट्टी कट जाने से। इन लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आवागमन प्रभावित हो रहा है दोनों साइड से, उधर से भी कटी है, इधर से भी। और जनप्रतिनिधि इधर आकर देखते नहीं हैं, और अगर देखकर भी जाते हैं तो फिर इसको ठीक कराने का नाम नहीं लेते। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।